ये पिछले बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था कि कुछ लोगों ने फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर नंबर पर मेरी डीपी लगाकर और लोगों से बातचीत शुरू कर दी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी करने शुरू कर दिए, किसी की मजाक उड़ानी शुरू कर दी या मेरे शो के नाम पर पैसे मांगने शुरू कर दिए। जबकि मेरा तो निजी कोई फेसबुक प्रोफाइल भी नहीं है, वेरीफाइड प्रोफाइल है, ट्विटर अकाउंट भी एक वेरीफाइड है और फोन होता नहीं है, वो सिर्फ ऑफिस में होता है, उसके ही थ्रू बात होती है। तो बहुत सारे लोगों के हम पीछे लगे हुए थे, फेसबुक को ट्विटर को हमने लिख के भी भेजा था लेकिन वो अकाउंट्स नहीं हट पा रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने मेरा शो बुक कर दिया है। कई बार ऐसा हुआ कि शो बुक हो गया जी, आपका एडवांस दे दिया था, आप नहीं आए, बाद में पता चला कि एडवांस कोई और ले गया, कोई आदमी आया था, कौन आया था। अभी 1 महीना पहले किसी ने मुझे कहा कि हमने आपका 14 तारीख का शो बुक कर दिया है और उसका पेटीएम में एडवांस भी डाल दिया और अब कैश देना है, किसी ने किसी को कहा। तो मैंने कहा कि तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 14 को तो हम नाइजीरिया में हैं, वहाँ शो कर रहे हैं 2 शहरों में, उसके बाद दुबई जाएंगे। तो फिर हमने उसको डिकआउट करना शुरू किया, रिकॉर्डिंग शुरू कराई उस आदमी की, उस व्यक्ति के थ्रू। और मैं बनारस पुलिस का आभारी हूँ कि उन्होंने परसों उनमें से एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए एडवांस देने के नाम पर जो बुलाया था शो बुक करने वाले व्यक्ति ने, तो उसको पकड़ लिया है। लेकिन उसके पीछे 3-4 आदमी और हैं, जिनमें कुछ इंदौर में हैं, कुछ बिहार में हैं, कुछ बम्बई में हैं, उनको अभी पुलिस नहीं पकड़ पाई है। मैं आशा करता हूँ पुलिस जल्दी से उनको पकड़ेगी ताकि लोगों का शोषण बंद हो। और ये बड़ी खराब बात है कि जिस व्यक्ति से लोग प्रेम करते हो या उसे स्नेह करते हो या उसे चाहते हो या उसे सुनना चाहते हो, उसके नाम पर खराब स्टेटमेंट्स, यहां तक कि खराब कविताएं बिना बहर की, अजीब सी, या आप पैसा मांग लें किसी से और शो बुक करने के लिए कह लें, तो ये तो ब्रांड के साथ भी बेईमानी होगी ना कि आपने कहीं शो के लिए हाँ कर दी और आपके पास ना पैसा पहुंचा ना एडवांस पहुंचा और आप पहुंचना चाह रहे हैं। तो अभी तो केवल एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बनारस पुलिस ने की है और उसके पास आधार कार्ड भी फर्जी पाया गया। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने व्हाट्सएप अकाउंट पे भी वही डीपी लगा रखी है जो मेरे ऑफिस के फोन पे लगी हुई है, अपने निजी प्रोफाइल पे जो कुमार विश्वास बना रखा है उसमें भी वही सब लगाते हैं जो मेरे ऑफिशियल पेज पे लगता है, ट्विटर अकाउंट पे भी वो ऐसा ही बनाते हैं बिल्कुल, जो ट्विटर पे मैं लिखता हूँ उसे तुरंत कवर करके उधर लिखते हैं। और ये मेरे साथ हो रहा है तो बहुत सारे लोगों के साथ भी हो रहा होगा, तो जो साइबर सिक्योरिटीज हैं देश की, उनको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो सके। सर बस ये आखिरी बात की आपके लिए बहुत शॉकिंग था, लाखों रुपए का क्योंकि चूना लगा रहा था, और ये चीज की आप हमारे माध्यम से ये कि आप सेलिब्रिटी हैं और सेलिब्रिटीज भी सतर्क रहें, आपकी टीम ने सतर्कता दिखाई है। और मैंने ये भी सुना कि वो जब फोन पे बात करता था तो दूसरे फोन पे दर्शाता था कि आप उससे बात करें, ये जोड़ते हुए। हाँ, वो मतलब हमने उनकी जो रिकॉर्डिंग सुनी है और जो हमारे सामने शो बुक करने वाले हमारे एक परिचित ने जब घर आकर उनकी रिकॉर्डिंग सुनवाई मेरे ऑफिस आकर, तो वो व्यक्ति इतने जितनी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है कि उसने बात करते करते कहा रुकिएगा, कुमार विश्वास जी का फोन आया, सर का फोन आया, और वो मेरे से फोन पे बात कर रहा है जबकि मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ कि सर वो कितने बजे की फ्लाइट है और वहां शो करना है और एक शो आया हुआ है चंडीगढ़ का, मैंने 7 लाख में हाँ कर दिया, मैं 1 लाख एडवांस ले रहा हूँ, ले लूँ सर, वैसी सब बातें कर रहा है। तो जब एक वेरीफाइड पेज है, एक वेरीफाइड वेबसाइट है, तो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को उसके ही माध्यम से बात करनी चाहिए, उसके माध्यम से अपनी बात करनी चाहिए, वहीं मेल भेजनी चाहिए। ये भी आपके आपकी निजी ईमानदारी पे बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है ऐसे लोगों के कारण, क्योंकि आपने कहीं से एडवांस उठा लिया उन्होंने उन लोगों ने और खा लिया और वो गायब हो गए और आप पहुंचे नहीं उस शहर में या आप गए नहीं, तो उस शहर के उस कस्बे के श्रोताओं के साथ कितनी बड़ी बेईमानी है। तो ये कई बार हो चुका था, इसकी कई बार मैं शिकायत कर चुका था और मैंने एक शिकायत इसकी कई जगह की थी। बनारस पुलिस का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया, मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस दिल्ली में भी गाजियाबाद में भी इसकी रिपोर्टिंग करवाई थी, तहरीर दी थी, मैं उनका भी आभारी हूं। मैं आशा करता हूं कि जिन 3 लोगों के फोन नंबर उसने दिए थे अलग अलग जगह के, जो खाता उसने बताया था, वो खाता सीज किया जाए, उसमें कितनी एंट्री हुई है, अब तक कितनी एंट्री हुई है, उनसे बात की जाए और आखिरी जो आदमी चोर है जो कर रहा है मास्टरमाइंड जो अलग अलग जगह कर रहे हैं, इनको पकड़ा जाए।